जब नीतीश का जिता दिए तो पानी पीने के लिए सुविधा के लिए जिताए थे कि हम लोग मरने के लिए जिताए थे। कोई अन्न भी ना मरता है, हम लोग पानी भी ना मरते हैं। एकरा से अच्छा है कि हम लोग से पहले नीतीश मर जाए कि हम लोग कहेंगे कि नीतीश मर गया तो हम लोग पानी पीना भी ना मर गए। पानी के हमारा समस्या है, बहुत दिक्कत है पानी के। अन्न भी ना मरे थे हमने, पानी भी ना मरे थी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। बिहार में इस बार अप्रैल के महीने में ही मई जून की गर्मी ने दस्तक दे दी है। हम हर रोज आपको खबरों के जरिए बता रहे हैं कि तापमान जो है बिहार में हर एक जिले का कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हर जिला करीब 40 डिग्री के ऊपर का तापमान इस बार रिकॉर्ड कर रहा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पानी की अगर किल्लत कहीं पर होने लगे तो लोग कितने ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन औरंगाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सोच में डाल देने वाली है कि लोगों को इतनी गर्मी के बीच भी पानी लाने के लिए एक एक किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ रहा है। घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेकिन हर किसी को अगर पीने के लिए साफ पानी चाहिए तो व्यवस्था ही नहीं है। इसके लिए कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और अगर आप ये दूरी भीषण गर्मी में तय नहीं करते हैं, गर्मी में अपने कंधों पर इतना पानी लेकर नहीं आते हैं अपने घर तक, तो आपके परिवार को साफ पानी भी पीने के लिए नसीब नहीं होगा। आपको बता दें कि ये मामला औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के दुसाद टोले के जोड़ा गांव का है, जहां पर लोग जो है पानी की किल्लत से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्या कुछ अपनी परेशानी के बारे में बता रहे हैं, कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, ये आप पहले खुद सुनिए। पानी की दिक्कत है, समूचा गांव के पतल पीता है तो उड़िया इंदिरा में आता है, अभी छान के पानी पीते हैं। अब वोट देते हैं इंदिरा का पानी पीने के लिए, साफा पानी पीने के लिए खपड़ी से मार के मुंह पोछ लेंगे नीतीश के। पहले वोट देते हैं, जिताते हैं, पानी भी ना मर रहे हैं। पानी के हमारा समस्या है, बहुत दिक्कत है पानी के। अन्न भी ना मरे थे हमने, पानी भी ना मरे थी हमने के। अब का करूं, बहुत दिन से जब से जन्म ले ली तब से हमने के पानी बिना बहुत दिकदारी हुई थे। अब का करब, वहीं प्रखंड में चल जाए, वहीं सरकार के यहाँ जाके धरना गिरा देम, वहीं अपन पानी देतन कि अन्न देतन, कैसे हमने के जीवन पालता ने जब सरकार जानत हमने के अब कोई व्यवस्था ना है। बहुत हमने पानी के कष्ट उठैली, बहुत हमने के पानी के दिक्कत है। अब का करूं, अब तो यह पानी सूखा तो अब हमने कहाँ जाए, वह जिला प्रखंड में जाके बैठब सरकार के दुआरी। जो भी सरकार हमने के जैसे पालन करतन जियतन कि मरतन, अब हमने वहीं रहब। अब हमने के दुख पानी के नहीं खे सहाय, अन्न तो कहूँ से कमा के लाना थी तो पानी हम इतना तो शक्ति ना है कि तरे हम खान के पानी पी लें। पानी का समस्या है, कहाँ से लेके आ रहे हैं पानी? 1 किलोमीटर से पानी लेकर के आ रहे हैं। कब से समस्या चल रहा है? कम से कम 225 बरस हो गया ये। और कोई नहीं नेता विधायक कोई नहीं आया कि जांच पड़ताल में कि इन लोग का दुख में है, का कष्ट में है, कैसे इन लोग जी रहे हैं। कोई अन्न भी ना मरता है, हम लोग पानी भी ना मरते हैं। एक मतलब है कि जब नीतीश का जिता दिए तो पानी पीने के लिए सुविधा के लिए जिताए थे कि हम लोग मरने के लिए जिताए थे। तुम एकरा से अच्छा है कि हम लोग से पहले नीतीश मर जाए कि हम लोग कहेंगे कि नीतीश मर गया तो हम लोग पानी पीना भी ना मर गए। करता है नीतीश, सब व्यक्ति हमने सब वोट वाला एगो बीघा दूसरा टोला है, अब 1 किलोमीटर से पानी ला करके बाही से ढो करके पीते हैं, ये वाला छान के पीते हैं। सर्दी खोखी होता है, डॉक्टर ढूंढ जाते हैं तो कहता है कि कोरोना हो गया, कोरोना हो गया कि नीतीश बढ़ा दिया है कोरोना। इसको देना है पानी, मुआ देना है भूखे, पानी बिना मुआ देना है। बहुत दिन पीछे से भी तो दिक्कत है सर, बताइए तो कि यह नेता विधायक मंत्री बनाए हैं, खेला खेला दूसरा टोला कोई इज्जत वैल्यू ना है। बहुत दिक्कत है सर, हम लोग से ही कुआं से भर कर। तो आपने लोगों की बातें सुनी, आपने जाना कि कैसे 1-1 किलोमीटर का सफर तय कर लोग पानी लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की इस दुर्गति को देखने वाला कोई नहीं है, उनकी सहायता करने के लिए कोई भी तरीका नहीं है वहां पर, क्योंकि ये मामले जो है वो अक्सर लोगों की नजरों के सामने आते हैं तो भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यहाँ जहाँ हम शहरों में बैठकर एसी ठीक से काम नहीं कर रहा इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, तो वही गांव दराज के लोग साफ पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे। और ऐसे में देखना होगा
कि अब मामला जब सामने आ रहा है तो प्रशासन कब यहाँ पर मदद पहुँचाता है। आप बाकी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।